हाय दोस्तों, इंजन स्टक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास है दो बाइक, एक है हीरो स्प्लेंडर प्लस i3S BS6 और दूसरा है हीरो स्प्लेंडर प्लस BS4। और आज हम इन दोनों बाइक के अंदर कंपेयर करके देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। सो गाइस, आपके सामने है हीरो स्प्लेंडर प्लस i3S BS6। मार्केट कैप्चर करने के लिए हीरो कंपनी ने इसको काफी स्टाइलिश बना के मार्केट पे लॉन्च किया है। काफी इंटरेस्टिंग कुछ कलर एंड वेरी अट्रैक्टिव लुकिंग के साथ BS6 मॉडल की इस बाइक की प्राइस रखा गया है 100 रूम पे 55,000 रुपीज के आसपास पे। वही दूसरी ओर स्प्लेंडर प्लस BS4 को देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी नाइस लुकिंग दिखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में से स्प्लेंडर प्लस BS6 की कलर कॉम्बिनेशन एंड डिजाइन काफी अच्छा है। इन दोनों की स्पेसिफिकेशन पे ज्यादा डिफरेंट नहीं है, फिर भी हम कंपेयर करेंगे। BS6 की स्प्लेंडर की फ्रंट डिजाइन काफी नाइस बनाया गया है। यहाँ पे हैलोजन बल्ब यूज किया गया है एंड हेडलाइट की डिजाइन थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। वही स्प्लेंडर BS4 को देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी नाइस लुकिंग दिखने को मिलेगा, लेकिन दोनों में से BS6 का डिजाइन ज्यादा अच्छा है। BS6 की फ्रंट सस्पेंशन पे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है, जो कि दूसरी तरफ BS4 को देखा जाए तो यहाँ पे भी टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है। फ्रंट सस्पेंशन पे कोई भी डिफरेंट दिखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी हीरो की हाइड्रोलिक कैपेसिटी काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। BS6 की फ्रंट टायर के साइज पे 80 सेक्शन का टायर का साइज दिखने को मिलता है। इसकी साइज है 80/118 MC 47 ट्यूबलेस टायर। दूसरी ओर स्प्लेंडर BS4 पे 2.7518 का टायर का साइज दिखने को मिलता है। ये ट्यूब टायर है 42P 4PR का। स्प्लेंडर BS6 की फ्रंट ब्रेकिंग पे ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसकी साइज है 130mm एंड IBS सिस्टम है। वही स्प्लेंडर प्लस BS4 पे भी सेम ही देख पाओगे, यहाँ पे भी ड्रम ब्रेक है। इसकी साइज है 130mm। स्प्लेंडर BS6 की मीटर कैपेसिटी काफी नाइस है। यहाँ पे स्पीड मीटर एंड फ्यूल मीटर दोनों ही एनालॉग दिखने को मिलता है। स्प्लेंडर मॉडल की इस मीटर कैपेसिटी की डिजाइन को हीरो कंपनी बहुत दिन से यूज करता आ रहा है। वही स्प्लेंडर प्लस BS4 पे सेम ही डिजाइन देख पाओगे, यहाँ पे भी स्पीड मीटर एंड फ्यूल मीटर दोनों ही एनालॉग है। BS6 स्प्लेंडर की कार वेट है 110 kg। इसकी व्हील बेस है 1236 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। वही BS4 पे डिफरेंट दिखने को मिलता है। इसकी कार वेट है 112 kg। इसकी व्हील बेस है 1230 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस है 159 mm। BS6 की जो इंजन है, यहाँ पे सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल 97.26 का इंजन है। मैक्स पावर पे ये 8000 RPM पे 7.91 BHP की पावर जनरेट करती है एंड टॉर्क पे 6000 RPM पे ये 8.05 Nm की टॉर्क पैदा करती है। वही दूसरी ओर स्प्लेंडर प्लस BS4 पे थोड़ा सा इंजन की डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक 97.26 का इंजन है। इसकी मैक्स पावर पे 8000 RPM पे ये 8.1 BHP की पावर जनरेट करती है एंड टॉर्क पे 5000 RPM पे ये 8.05 Nm की टॉर्क पैदा करती है। स्प्लेंडर प्लस BS6 की रियर सस्पेंशन पे 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है। दूसरी ओर BS4 पे हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है। फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन करीबन सेम ही है। BS6 की रियर ब्रेकिंग पे 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। दूसरी ओर BS4 स्प्लेंडर की रियर ब्रेकिंग पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसका भी साइज है 130mm। BS6 स्प्लेंडर की रियर टायर के साइज पे 80 सेक्शन का टायर का साइज दिखने को मिलता है। इसकी साइज है 80/118 MC 54P ट्यूबलेस टायर। दूसरी ओर BS4 पे डिफरेंट टाइप का टायर दिखने को मिलता है। इसकी साइज है 2.7518 48P 6PR का ट्यूब टायर। स्प्लेंडर प्लस BS6 की बैकलाइट की डिजाइन भी थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा न्यू मॉडल की एक बैकलाइट की डिजाइन देख पाओगे एंड बल्ब यूज किया गया है। दूसरी ओर BS4 की बैकलाइट की डिजाइन देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी नाइस बैकलाइट की डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी बल्ब यूज किया गया है। वैसे भी दोस्तों, इन दोनों बाइक की काफी सारी चीज पे हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, जैसा कि कालार्ड। इन दोनों बाइक की कालार्ड सिस्टम पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। इंजन पावर पे भी थोड़ा सा डिफरेंट है एंड टायर की साइज पे एंड टायर पे हमें डिफरेंट देखने को मिलता है दोनों बाइक के अंदर। कीमत पे तो दोस्तों BS6 मॉडल की बाइक की कीमत ज्यादा ही होगा। सो गाइस, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।